संकट में सुखू सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं महिमा सिंह कंवर। बड़ी खबर मिल रही है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से। राज्यपाल से जयराम ठाकुर की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की राज्यपाल से मुलाकात। बीजेपी विधायक उनके साथ मौजूद रहे और जयराम ठाकुर ये बात कहते हुए नजर आए कि सुखू सरकार बहुमत साबित करे। राज्यपाल को मौजूदा हालात की जानकारी दी और ये सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है, हिमाचल सरकार खतरे में। और देखिए, गवर्नर से मुलाकात हुई है बीजेपी विधायकों की, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जो कि नेता प्रतिपक्ष है वो राज्यपाल से मुलाकात करते हुए नजर आए। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और फ्लो टेस्ट समेत तीन मांग, फ्लो टेस्ट करवाया जाए और इसके अलावा ये भी मांग की जा रही है कि फाइनेंशियल बिल पर भी वोटिंग होनी चाहिए। राज्यसभा चुनाव में 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। और उससे पहले आपको फिलहाल ये सुनवाते हैं कि जयराम ठाकुर ने आखिर राज्यपाल से मुलाकात के दौरान क्या कुछ कहा। बात में इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूँ, जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीज़ें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहाँ पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। और वो अभी जो जानकारी हमने इस संदर्भ में खासतौर से जो घटनाक्रम घटित हुआ पिछले दिनों में उसके बारे में अपनी जानकारी जो है हमने महामहिम राज्यपाल मोदी जी को दी। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिसमें वो ये बात कहते हुए नजर आए कि इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। राज्यपाल से फिलहाल मुलाकात हुई है।